प्रभु जी, ये जो एक सप्ताह का चिंतन चल रहा है, एक सप्ताह से, और आप लोगों से शेयर कर रहे हैं हम, ये कोई नया चिंतन नहीं है प्रभु जी। चिंतन तो इस बार हिमालय में आते ही शुरू हो गया था। जब मैं यहां आया था द्वारका से आबू से ऋषिकेश, और ऋषिकेश से जब मैं हिमालय आया था गंगोत्री जाने के लिए, लेकिन गंगोत्री के रास्ते बंद थे तो मैं यहां गंगोरी में रुक गया। चिंतन तो प्रभु जी तभी से चल रहा है, और जब लॉकडाउन हुआ तो वो चिंतन का ही परिणाम था कि लॉकडाउन होने के बाद आभास हो गया था कि संकेत अच्छे नहीं है। ये 21 दिनों की बात नहीं है, ये लंबे समय का संधिकाल है। इसीलिए प्रभु जी मार्च के अंत में ही YouTube का चैनल बन गया था, और लॉकडाउन के बहाने आपसे बातें शुरू हो गई थी। और आपको याद होगा, अगर आप शुरू के हमारे वीडियो देखें, शुरू के वीडियो जो सबसे पहले जो आपसे गंगा जी के किनारे बैठ के जो हम बातें किया करते थे, उसमें यही था कि 21 दिन का लॉकडाउन है, आप लोग अपने घरों के अंदर हैं, लेकिन बाबा जी का कहना है ये 90 दिन का लॉकडाउन मान के चलना, अपने आप को 90 दिन लॉकडाउन की तरह सुरक्षित रखना, संयम बरतना। देखिए आप वीडियो, और उसके 8-10 दिन बाद किसी वीडियो में बताया भी था बाबा जी ने, संकेत दिए थे कि 90 दिन नहीं, एक और 90 दिन, 90 दिन का लॉकडाउन मान के चलना अपनी जीवन शैली बदलने के लिए, और कुछ समय बाद फिर 90 दिन। ये क्या था, ये चिंतन ही चल रहा था। और अभी पिछले एक सप्ताह में ये संकेत मिले, अब जो चिंतन चल रहा है इस चिंतन को संकेत में ही आगे बता दिया जाए, सीधी सीधी बात ना की जाए। इसीलिए लॉकडाउन में भी हमने कोई भय वाली ऐसी बात नहीं की, मैंने भयभुक्त रहने की बात की है, डराने की कोई बात नहीं की, अभी भी हम डराने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी, अभी आप लोग जिस संकट में हैं, वो संकट अभी इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। और ये संकट जो वर्तमान संकट है, और चीजें आए तब आए, कोरोना का संकट है, ये बहुत बड़ा सबक इस देश को और देशवासियों को देगा। बहुत सारी मान्यताएं टूटेंगी, जीवन शैली तो बदलनी ही पड़ेगी आपको, संयम तो रखना ही पड़ेगा आपको, सुरक्षा तो करनी ही पड़ेगी आपको। और देखिए, दोनों चीजें एक साथ हो गई, यहां संधि काल चल रहा है, और यहां दूसरी तरफ आपका कोरोना का भय पूरी दुनिया में व्याप्त है। हम लोग बार बार कहते हैं कि भारत की रफ्तार कम है, भारत की फिर भी सुरक्षा है, भारत के लोगों में प्रतिरोधी क्षमता ज्यादा है। ठीक है, ये सब कह के हमें थोड़ा सा संतोष का भाव पैदा होता है, हमें लगता है दुनिया में तो तबाही मची है, हमारा देश में फिर भी सब धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन प्रभु जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इसे सामान्य तरीके से मत लें, अन्यान परेशानियां यहां आने वाली हैं। परेशानियों का मतलब और देशों में तो यह है, प्रतिरोधी क्षमता भले ही हमसे उन देशों में कम हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे सब हो, भले ही हमसे प्रतिरोधी क्षमता कम हो, भले ही इम्यून सिस्टम उनका ऐसा ना हो, भले ही उनका खान पान अलग हो, लेकिन उनके अंदर एक चीज है, आखिरी समय तक परिस्थितियों से लड़ने का साहस, जुनून, जोश, अंत समय तक एक ही जैसी एनर्जी से लड़ने का, बिना भय के, वो हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां तो बहुत जल्दी हथियार डाल देने जैसी बात होती है, देख लीजिए अपने घर परिवार में, सब जगह देख लीजिए, हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं,
भले ही हमारे अंदर इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो, भले ही हमारी प्रतिरोधी क्षमता अधिक हो, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों को हम बहुत कम उनका सामना कर पाते हैं। खासतौर से शहर के लोग, महानगरीय लोग, गांव में तो लोग फिर भी है कि जो है सो है, लेकिन हम अपने को देखें, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोगों को देखें, बहुत जल्दी हथियार डाल देते हैं हम। और इस बार तो स्लम से लेके एलीट तक सब उस शिकंजे में हैं, सब अपनी अपनी तरह से परेशानियों से जूझ रहे हैं और जूझेंगे। कोई नहीं, इसमें कोई वर्ग नहीं होगा, कोई जाति पात नहीं होगी, कोई धर्म नहीं होगा। अभी का जो वर्तमान संकट है ये भी, और 21 सितंबर 2021 के बाद का जो समय है वो भी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि चिंतन डराने वाला नहीं है, ये चिंतन सबक लेने वाला है। 180 दिन जो आपको बताए थे मार्च के आखिर में शायद, या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मुझे याद नहीं है, वीडियो देख लेना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आ जाता है 180 दिन। सितंबर तक बहुत सावधानी रखना है, जागरूक रहना है, भयभीत नहीं होना है। भयभीत भय होना अलग चीज हो गई, जागरूक होना अलग चीज हो गई, संयम रखना अलग चीज हो गई। वो स्थिति आने वाली है प्रभु जी, अभी कोरोना का मुझे नहीं पता, ये तो कोई भविष्यवक्ता ही बता सकता है, जो जगह जगह बता रहे हैं इस तारीख को कोरोना खत्म हो जाएगा, इस तारीख को कोरोना दुनिया से मिट जाएगा, इस तारीख को कोरोना भारत से चला जाएगा। ऐसी खबरें हमने सुनी थी अप्रैल में, उन सब में हम नहीं जा रहे हैं, हम तो समय की बात कर रहे हैं, संधिकाल। और संधिकाल रहेगा लगभग लगभग सितंबर 21 तक, लेकिन इस बीच में बहुत से लोग हाईवे पर आ जाएंगे, बहुत से लोग आगे वाले समय में निर्माण की भूमिका में होंगे। और दूसरी तरफ देखें तो परेशानियों का भी बहुत लोगों को सामना करना पड़ेगा, ऐसी परेशानियों का जिसका उनके पास कोई इलाज नहीं होगा। आज देख लीजिए आप, पूरी दुनिया में मान्यताएं बदल रही हैं, हम छोटी छोटी चीजों को लेके अहंकार हमारा अड़ जाते थे, लड़ जाते थे, समाज में, पड़ोसी में, आपस में, रिश्तेदारी में, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे ईगो को लेके, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। जन्म और मृत्यु के समय भी हम इस तरह की बातें करते थे, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, ये नहीं किया, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब देखिए आज मान्यताएं बदल रही हैं प्रभु जी, देखिए कंधा देने वाले नहीं हैं लोग। कहते थे चार कंधों पर यात्रा होगी, देखिए अब पूरी दुनिया में कंधा देने वाले लोग नहीं है। इससे बड़ा कठिन दौर कौन सा होगा, परिवार के लोग अपने लोगों को कंधा देने में नहीं दे पा रहे, चाहकर भी नहीं दे पा रहे, मुखाग्नि नहीं दे पा रहे, जलाना है, दाह संस्कार करना है, लेकिन दफनाना पड़ रहा है, और जिनको दफनाना है उनको जलाना पड़ रहा है। प्रभु जी ये तो बाबा जी की, हम जब कहते हैं बाबा जी की छत्र छाया है, बाबा जी के ऑब्जर्वेशन में है लोग, सब ठीक है, ठीक है, और मैं कहता हूं बाबा जी का दायरा ऐसा बढ़े, ऐसा बढ़े, ऐसा बढ़े, पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए हम तो यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु जी उन परिवारों से पूछिए, दूर मत जाइए, अपने आसपास की बात से शुरू करें। अपने भारत में कितने ऐसे परिवार हैं जहां पति पत्नी दोनों कोरोना के शिकार हो गए, ड्यूटी देते हुए हो गए, वैसे भी हो गए, पूरी एहतियात बरतते हुए भी शिकार हो गए। सोचिए उन परिवारों का क्या होगा।
कितने लोग ऐसे हैं जो अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए, बीमारी से मौत में भी नहीं हो पाए, कोरोना की तो बात अलग है। कितने ऐसी घटनाएं हो रही होंगी, आप लोग तो शहरों में हैं, आप लोग तो अखबार पढ़ते होंगे, आप लोग तो हर समय टीवी देखते होंगे। मेरे पास तो व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं और नेट नहीं चलता है, लेकिन कभी कभी आ जाती हैं, नेट चलता है तो। लेकिन आप लोग तो हर समय उसी में रहते होंगे, क्या स्थिति हो रही होगी प्रभु जी। और हम लोग कहते हैं ना कि परेशानी तो मिडिल क्लास की होती है, ना एलीट क्लास की होती है, ना नीचे लोगों की होती है, क्योंकि वो तो जैसे चाहे जी लेते हैं और ऊपर वालों के पास प्रभु ने जीने के सब संसाधन दिए हैं। लेकिन इस बार परेशानियां जमीन से शुरू होकर आसमान तक जाएगी। वो स्लम के लोग, वो झोपड़ी वाले लोग, वो मजदूर, वो किसान, कामगार, प्राइवेट नौकरी पेशा, सरकारी की नौकरी वाले लोग, व्यवसाय वाले लोग और ऊपर तक सब ही सब परेशान रहेंगे। और 6 महीने बाद पता चलेगा कि वो परेशानी कितनी बड़ी हो गई। 90 दिन का लॉकडाउन और 90 दिन का लॉकडाउन, 180 दिन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर के बाद पता चलेगा आपको कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं, कितनी बड़ी परेशानी में हैं। और उस परेशानी से का सामना करने, क्योंकि सितंबर से तो फिर अगले सितंबर तक वो हो जाएगा ना संधि काल वाला, उन सामना करने के लिए हमें अपनी जीवन शैली बदलने, हम शांत हो जाएं, हम अपने मन बना लें, जो है सो ठीक है, जो होगा सो ठीक होगा, प्रभु का स्मरण करें, नाम सुमिरण करें, ज्यादा ध्यान में नहीं बैठे, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करें, लेकिन 24 घंटे का ध्यान करें। 24 घंटे का ध्यान क्या होता है, कई बार बताया है, 24 घंटे का ध्यान होता है कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, सुबह से लेके सोने तक हर कर्म करते हुए प्रभु का स्मरण, और वो कर्म करने के बाद प्रभु को समर्पित, और 1-to-1, तीसरा नहीं। पहले बता चुके हैं, खाना तो खाना, सोना तो सोना, काम तो काम, लोगों के साथ बैठे तो बैठे, टीवी तो टीवी, मतलब 1-to-1 एनर्जी जनरेट होगी। ज्यादा ध्यान नहीं कर सकते, मत बैठे ध्यान में, मानसिक ध्यान करें, आनंद लें, खुले में देखें। अभी तो आसमान खुला है ना, जितने दिन तक आप इस आसमान का आनंद ले सकते हैं लीजिए। छत पर बैठिए, बालकनी में बैठिए, बरामदे में बैठिए, शाम को आसमान का नजारा देखिए, सुबह उगता हुआ सूरज देखिए। ऐसा नहीं मिलेगा आगे, ऐसा मिलेगा कब, जब सफाई हो जाएगी, उसके बाद देख पाएंगे आप। सफाई तो होगी प्रभु जी, इस पूरी पृथ्वी के, इस पूरी पृथ्वी के 3/4 हिस्से में तो समुद्र होगा, आप लोग जानते होंगे। देखो मुझे तो इस सब की जानकारी नहीं है, आप लोग देखते हो, कहते हैं ना 3/4 समुद्र से घिरी है ये पृथ्वी, 1/4 हिस्सा जमीन है, और उस 1/4 हिस्से के भी आधे हिस्से में केवल हम हैं, ऐसा मुझे लगता है, कभी पढ़ा भी होगा, आप लोग गूगल पे देख लेना। 3/4 हिस्से में 1/4 हिस्सा रह गया जमीन का, उस 1/4 हिस्से के भी आधे भाग में हम हैं। हमका मतलब 7-8 अरब लोग। उस 1/4 के आधे भाग में अभी हम हैं, और उसके भी आधे भाग में हम रह जाएंगे बाद में। अब आप कहोगे बाकी 1/4 के आधे भाग में हमें बाकी भाग में क्या है, अब यहां हिमालय में बैठ के हमारे पास वो तो है नहीं, आप देख लेना क्या है। मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, हिमालय होगा, डेजर्ट होगा, अनुपजाऊ वो सब पड़ा होगा, खाली खाली पड़ा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो हम तो पूरी पृथ्वी के 1/4 हिस्से के भी आधे भाग में हैं, फिर भी इतना कूड़ा करकटे के सफाई करते करते और आधा रह जाएगा। कूड़ा करकट कहां जाता है,
या तो जमीन में दब जाता है या चला जाता है, तो समुद्र ले लेगा। समुद्र कहने का, लाओ सब मुझे दे दो, मैं ही आ जाता हूं तुम्हारे पास। तुम मेरे अंदर तो क्या डालोगे, तुम्हारी तो सामर्थ्य नहीं, मैं ही आ जाता हूं, थोड़े और हिस्से को घेर लेता हूं, तीन चौथाई हिस्से में तो हूं ना मैं, थोड़ा सा और हिस्सा मैं ले लेता हूं। तब क्या होगा? तो प्रभु जी, आने वाले समय को लेकर डरना नहीं है, वर्तमान का सामना करना है। और अभी से आने वाला सितंबर, 6 महीने का जो लॉकडाउन बताया था, 6 महीने में शांत रहें, आनंद रहें, जो है जिए जिए, कल संयमित हो जाएं, देखें उनका दर्द ना करें, प्रभु कृपा करें वो दर्द हम तक ना आए, दुनिया का दर्द देखो भारत में ना आए। भारत में भी आए तो जो इस सब में लगे हैं, जो इस यात्रा में हैं, जो महापुरुषों के संग में हैं, जो अपने गुरु की शरण में हैं, जो प्रभु की शरण में हैं, बाबा जी की शरण में हैं, उन तक ये सब ना आए और वो निर्माण के लिए सहायक हो आने वाले समय में। ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ घटनाएं तो घटेंगी, ये मुझे पता है। चिंतन में चंद्रमा चंद्रमा ही आ रहा है, तमाम ग्रहों की प्रतिकूल स्थितियां, ब्रह्मांड की विषैली गैसें और निगेटिव रश्मियां इस गुरुत्वाकर्षण में आ रही हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में। और जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में, सौर मंडल के गुरुत्वाकर्षण में आ जाती हैं, तो कहां जाती हैं? नीचे आती हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जो चीज आ गई वो कहां आती है? जमीन में आती है। हम कोई चीज यहां से उछालते हैं ना, अगर हमारे गुरुत्वाकर्षण के उसमें जाती है और छोड़ देते हैं तो वापस यहीं पर आती है। अभी वो रश्मियां प्रवेश कर रही हैं, मैंने पहले बताया था, आसुरी शक्तियां और दैवीय शक्तियां दोनों सूक्ष्म की सक्रिय हो गई हैं। एक उनको रोकने की कोशिश कर रही है, दूसरी उनको रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे आसमान में जो परत है, जो हमारी गुरुत्वाकर्षण की जो आखिरी लेयर है, उसमें थोड़ी थोड़ी जगह जगह कुछ पारदर्शिता आ गई है, छिद्र आ गए हैं जहां से वो प्रवेश कर रहे हैं। साइंस वाले इसको कुछ और कहते होंगे, वो जो उनकी परत कहते होंगे, कमजोर हो गई कहते होंगे, कुछ और कहते होंगे, वो उनकी भाषा जाने। हमें आपको ये देखना है कि जो आ गया है वो हम तक ना करे, हमें अपने प्रभा मंडल को बढ़ाना है। प्रभा मंडल को बढ़ाने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है, प्रभु के प्रति शरणागत हो जाओ, समर्पण हो जाओ, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ और 24 घंटे प्रभु का ध्यान करो। काम करते हुए, खेत में करते हुए, खलिहान में करते हुए, झोपड़ी में रहते हुए, महलों में रहते हुए, जो भी करो 1-to-1 करो, किसी का अहित मत करो। सोचो देखो क्या हाल हुआ था कोरोना में, कहीं वो हमारे किसी का ना हो, हमारे परिजन का ना हो, हम जितने लोगों के संपर्क में हो उनके साथ ऐसा ना हो। इसलिए उनके साथ भाईचारे का व्यवहार करो, अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी जितनी सेवा कर सकते हैं करो। वो सेवा करेंगे, उसका जो रिटर्न आएगा वो FD बनेगी, ऑरा की थिकनेस बढ़ेगी। इसलिए प्रभु जी, और ये मैं कह नहीं रहा हूं, आप लोग तो खबरें पढ़ते होंगे, बहुत से लोग तो भयभीत होते होंगे, लॉकडाउन में आते ही कितने लोग अवसाद में चले गए थे, इसीलिए मैं लगातार सत्संग कर रहा था, उससे बाहर निकलो, उससे ऊपर निकलो, 21 दिन की बात है। लेकिन बाबा जी तो 90 दिन कहते थे, बाद में दोबारा 90 दिन कह देते थे, तो 180 दिन का मतलब है 180 दिन। अभी चीजें गंभीर हैं, अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़े तब भी बहुत एहतियात बरतें। आप जहां कार्य करें वहां कुछ ना हो, फिर भी आप बहुत एहतियात बरतें। घर से निकलते समय और घर में निकलने के बाद तो बहुत ज्यादा, घर के संपर्क में आने के बाद तो बहुत ज्यादा। ये जो यात्रा है ना, संधि काल में जो परिक्रमा हो रही है, ये परिक्रमा भी अभी लंबी चलने वाली है। अभी तो जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तो शुरू हुआ है, अभी तो 9 महीने हुए हैं, 2 साल की है, 21 सितंबर तक जाएगी ये। अब आप कहेंगे कि इसे बताने से फायदा क्या है, ये भी प्रश्न आएगा कि डराने से फायदा क्या है, भयभीत करने से फायदा क्या है, कि आने वाले 21 सितंबर के बाद आने वाला दशक विनाशकारी होगा,
और नव निर्माण होगा पूरी दुनिया में। क्या होगा एक पूरी तरह से नहीं बता रहे हैं, आगे बताएंगे थोड़ा थोड़ा सा, इसका भी खुलासा करेंगे, संकेत तो आपको दे ही देंगे। अब आपका प्रश्न होगा इससे फायदा क्या होगा, जो होगा सो होगा। बहुत से लोग इस तरह के हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, और ये जो आप बता रहे हो बताने से फायदा क्या है। इसीलिए मैंने कहा कि भविष्यवाणी नहीं है, मैं तो आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूं कि अगर ये भविष्यवाणी भी है तो हम क्यों बता रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं। प्रभु जी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ लें, फिर आगे की बात करेंगे। जब आपके मोहल्ले में घर के आसपास आंधी आने को होती है और अगर आप उस समय जागरूक हैं, जाग रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आंधी का अंदेशा है, तेज बारिश होने वाली है, काले बांदर बादल मंडराने लगे हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, जाओ छत पर से कपड़े नीचे ले आओ, बालकनी से ऐसे कर लो, खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, और आप करते हैं। भले ही आंधी आपके आसपास ना आए, भले ही आंधी ऊपर ऊपर से हवा अगर तेज है तो निकल जाए, भले ही काले बादल ना बरसें, उसकी गड़गड़ाहट हवा के साथ दूर चली जाए, लेकिन आप करते हैं। करने से क्या होता है, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और जब आंधी आती है तो धूल कण वो सब चीजें आपके घर के अंदर नहीं आती है। लेकिन जो लोग बेपरवाह होते हैं, आएगी तब देखी जाएगी, तो क्या होता है, जब तक संभलने की कोशिश की तब तक आंधी का झोंका घर के अंदर आया, धूल मिट्टी और सब करते हुए, और हमारा नुकसान भी हो गया। तब तक हम दरवाजे बंद करते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं, छत पर तो जा ही नहीं पाते हैं, बालकनी से जो पड़ा हुआ अंदर लेने की कोशिश करते हैं, और तब तक हम अपना थोड़ा सा नुकसान कर लेते हैं। इसलिए हमें जागरूक होना है, इसलिए हमें जागना है, इसलिए हमें इनको समझ के सावधान हो जाना है, इसलिए मैं आपसे बातें कर रहा हूं। अब बादल काले हैं, पानी से भरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो बरसेंगे ना, आपके घर बरसे नहीं, कहीं और बरसे, कहीं और बरसे, और कभी कभी ऐसा होता है कि जहां उनकी जरूरत होती है वहीं बरसते हैं। खेतों में अच्छी वर्षा होती है, आसपास के घरों में थोड़ी कम हो जाती है, ऐसा भी देखा गया है। आंधी आई आई, और आप जब बेपरवाह होते हैं, घर के बाहर भी होते हैं, सड़क पर होते हैं, जैसे ही आपको लगता है कि आंधी आने वाली है, तेज हवाएं चल रही हैं, जो लोग जागरूक होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक शेल्टर में चले जाते हैं, वाहन पे हैं तो वाहन खड़ा करके शेल्टर में चले जाते हैं, आश्रय ले लेते हैं कि ये निकल जाए तब हम जाएंगे, ये जल्दी से घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो बेपरवाह होते हैं उस चपेट में आ जाते हैं, नुकसान हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, देखिए ऐसा सब होता है। इसका भी ये भी प्रभाव वही तरंगों का है, आना तुरंत दिमाग में आना, तुरंत उसका हम उपाय कर लेना और बच जाना, नहीं तो देर से आना, देर तक सोचना, जब तक सोचना बुद्धि लगानी तभी तक नुकसान हो गया। इसीलिए कहते हैं अपने ऑरा के आभा मंडल की थिकनेस बड़ी रहे, थिकनेस बड़ी रहेगा तो विवेक जागृत होता है, विवेक जागृत होता है तो इंट्यूशन पावर हमारी डेवलप हो जाती है, और इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है तो आभास हो जाता है आने वाले समय का क्या होने वाला है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है घटनाओं का आभास हो जाता है, आने वाली घटनाओं का, और महिलाओं पर तो प्रभु ने बड़ी कृपा की है, शक्ति है, मात्र शक्ति, उसको शक्ति ऐसे ही नहीं कहा गया है, उनके अंदर एक 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 सेंस एक ज्यादा होता है, उनके अंदर इंट्यूशन पावर होती है, लेकिन वो भी वही आजकल तो सब बराबर हो गए हैं ना, तो बेपरवाह हो गए हैं, तो कॉन्शियस नहीं रहते ना, तो उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन पुरुषों से महिलाओं के अंदर अगर शक्ति की बात करें, कलाओं की बात करें, तो दो कलाएं ज्यादा होती हैं, उनका इंट्यूशन ज्यादा उससे वो होता है, कष्ट को सहने की क्षमता उनमें कहीं ज्यादा होती है। लेकिन आजकल तो क्या होता है ना कि
कि हम वो एक परते हैं, एक ऊपर लेयर लेयर चढ़ा देते हैं और जरा से बच्चे जरा से में विचलित हो जाते हैं, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, जरा से में परेशान हो जाते हैं, जरा से में सब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकलापों से, अपने कर्मों से उस पर बहुत सारी लेयर्स लेयर चढ़ा दी है। हमें अपनी शक्ति को समझना चाहिए, कॉन्शियस रहना, सब कुछ कॉन्शियस रहने की ही तो बात है। सावधान रहे, सजग रहे, अभी जाग जाए, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। आंधी और बादल वाले इस सबसे तो आप समझ लेंगे। बारिश में क्या होता है, देखिए मौसम विभाग, आप मौसम विभाग की भविष्यवाणी समझ लीजिए। मौसम विभाग आगाह कर देता है बाढ़ आ सकती है, खाली कर दो। प्रशासन क्या करता है, किनारे किनारे लोगों से कहता है खाली कर दो, खाली कर दो, और कुछ खुद भी खाली करने के लिए प्रयास करता है। जो लोग तुरंत इस गंभीरता को समझ लेते हैं वो अपने घर के, अपने सामान, अपना सब कुछ लेके घर को खाली करके ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं खुद ही, बस मौसम की भविष्यवाणी सुन के, या फिर उनको खुद ही पता चल जाता है जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं कि अब कुछ होने वाला है, तो वो खुद ही अपने को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। नहीं तो प्रशासन का डंडा, चलो खाली करो खाली करो खाली करो, लोग खाली कर लेते हैं। कुछ लोग होते नहीं, ठीक है जैसा देखा, जब आएगा तब देखा जाएगा, हम तो यहीं रहते हैं 12 महीने, हमें पता है। और जब बाढ़ आती है जो सावधान हो जाते हैं वो बच जाते हैं, जो जागते हैं वो बच जाते हैं, जिनके खुद की इंट्यूशन होती है वो अपने इंट्यूशन से बच जाते हैं। नहीं तो प्रशासन, मार्गदर्शक, गुरु, उसकी कृपा से बच जाते हैं कि उन्होंने कहा हट जाओ इस समय, तो बुद्धि नहीं लगाई, गुरु ने कहा, इष्ट ने कहा, मार्गदर्शक ने कहा, हट गए, बच गए। और बाकी सब क्या होता है, हर साल कितनी तबाही होती है प्रभु जी, लेकिन कितने लोग सुरक्षित भी हो जाते हैं। फिर जब बाढ़ आती है तब लोग भागते हैं, घर सामान सब छोड़ के, जानवर छोड़ के भाग जाते हैं, तब क्या होता है, सामान सब चला जाता है, जानवर चले जाते हैं। कितने समय तक हमें उसको, अपने को ठीक करने में कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो थोड़े से भी कॉन्शियस होते हैं वो अपने खास खास सामान को जितना ले जा सकते हैं सिर्फ उठा के ले जाते हैं, जानवरों को रस्सी से बांध के ले जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। इन भविष्यवाणियों का यही मतलब है कि आने वाले दशक के लिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको ये बताऊंगा कि इस पृथ्वी के किस किस हिस्से पर उसकी नकारात्मक प्रभाव कम और ज्यादा कैसे पड़ेगा, उसका क्या परिणाम हो सकता है, और हम कैसे अपने आप को उसमें बचा सकते हैं। अकाल योग से, ये अकाल योग है ये 10 वर्ष का, नियति का तो तय है। कई लोग ये भी तो कहेंगे जो नियति है, जो होना है वो होना है, हम गर्भ में लिखा के लाए हैं, होना है होना है,